नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के स्टूडेंट्स को बताने वाला हूँ कि अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपका आधार कार्ड खो जाता है तो उसको आप लॉक कर सकते हैं। यदि आप अपने आधार कार्ड को लॉक नहीं करते हैं और आपका आधार कार्ड किसी दूसरे पर्सन के पास चल जाता है तो उसका गलत उपयोग कर सकता है। तो इसलिए आपका आधार कार्ड यदि खो जाता है तो उसको लॉक कर देना चाहिए, और आपका आधार कार्ड मिल जाता है तो उसको फिर से अनलॉक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सबको दोनों प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड को लॉक कैसे कर सकते हैं और उसको अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे से रिक्वेस्ट है, यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह से हेल्प वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर से क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ओपन होने के बाद आपको सर्च में टाइप करना है uidai.gov.in। इतना ही लिखकर आपको गो एस सर्च बटन पर क्लिक करना है तो आपके सामने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा, जिसे कि आप यहां पर दे सकते हैं। फिर इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इसके बाद आपको स्कॉटन के नीचे आना है और यहाँ पे आना है आधार सर्विसेज के अंतर्गत। आपको सबसे नीचे यहाँ पे मिलेगा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स, आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस बॉक्स को टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको स्वर्ण के नीचे आना है, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है या विजुअल आईडी डालना है। इसके नीचे आपको कैप्चर डालना है। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। चलिए इसको डालकर मैं आप सबको लाइव दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं कि हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया हूँ, इसके नीचे कैप्चर डाल दिया हूँ। इसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, और यहाँ पे आपको ओटीपी को डालना होगा। ओटीपी को डालने के बाद में आपको सिंपल से सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख रहा है कि योर बायोमेट्रिक इज लॉक, यानी कि हमारा आधार कार्ड लॉक हो चुका है, अब हम इसको यूज करना चाहेंगे तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसको आपको यूज करने के लिए अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिल रहा है अनलॉक बायोमेट्रिक। दोस्तों, मैं आपसे फिर से बता देता हूँ, अपने आधार कार्ड को अनलॉक करने के लिए फिर से आपको uidai.gov.in पे आना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आधार सर्विसेज के अंतर्गत सबसे नीचे आपको मिलेगा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस बॉक्स को टिक करना है। इसके बाद आपको लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, इसके बाद यहाँ पे कैप्चर डालना है। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके शॉर्टन के नीचे आना है, यहाँ पे आपको कैप्चर डालना है जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आया है। इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड पहले से लॉक है। इसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है अनलॉक बायोमेट्रिक, तो आपको सिंपल सा अनलॉक बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। जैसे आप अनलॉक बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड अनलॉक हो जाएगा, यानी कि अब आप चाहे तो आधार कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट प्रॉब्लम या कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।